नमस्कार, मैं भास्कर भारद्वाज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो मेरा था कि आपको किस किस रैंक पर नीट पीजी देने पे, मतलब नीट एमडीएस का एग्जाम देने पे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि क्या एम्स के बारे में कुछ आप बता दीजिए। तो जो एम्स दिल्ली है, पहले एम्स दिल्ली का एग्ज़ाम होता था अलग से, और पीजीआई चंडीगढ़ का अलग से होता था, जिपमर का अलग से होता था, बट अब ये कंबाइंड कर दिया गया है। अब होता है इनसेट, INCET एग्ज़ाम देना ही होती है। एक कंबाइंड एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिससे कि आप एम्स के किसी भी ब्रांच, मतलब एम्स दिल्ली, भुवनेश्वर, पटना, रायपुर, जितने भी एम्स के ब्रांचेस हैं वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और जिपमर पौंडीचेरी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें सीट्स कितनी होती है और ये कितने बार एग्ज़ाम होता है। इसे नीट पीजी जो होता है, नीट एमडीएस का जो एग्ज़ाम होता है, वो साल में सिर्फ एक बार होता है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, मतलब जो संडे होता है उसमें ज़्यादातर चांसेस होती है नीट पीजी का एग्ज़ाम होने का। बट ये एग्ज़ाम साल में दो बार होता है, हर 6 महीने के अंतराल पे एग्ज़ाम होता है, और एक जुलाई बैच होता है और एक जनवरी बैच होता है। इसमें दो बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और नियरली हर बार 8 to 14 सीट्स होती हैं। कभी 7 सीट होती हैं, कभी 8 होती हैं, कभी 12 होती हैं, कभी 11 होती हैं, कभी 14 होती हैं, मतलब नियरली आप कह सकते हैं 7, 8 या 14, इससे ज़्यादा सीट्स इसमें नहीं आती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लास्ट 2 ईयर्स के अकॉर्डिंग टू कितना ज़्यादा, किस किस रैंक पर, कौन सा ब्रांच, मतलब मैं लास्ट रैंक बताऊंगा, क्योंकि रैंक 1 किसी का है उसे तो ऑब्वियस सी बात है मिल ही जाएगा ना कॉलेज, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लास्ट किस रैंक पर आपको एम्स, पीजीआई या कुछ भी आपको मिला है इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं सबसे पहले एम्स दिल्ली की। तो एम्स में बात करें, मैं कंबाइंड बात कर लेता हूँ, एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, सारे को कंबाइंड कर दीजिएगा आप। तो जनरल कैटेगरी में जो लास्ट रैंक पर कोई ब्रांच मिला है एम्स में, वो है 9th रैंक। 9th रैंक पर बच्चे को मिला है जनरल कैटेगरी में ओएस। और अगर आप एससी कैटेगरी की बात करोगे लास्ट रैंक, तो ऑल इंडिया रैंक 179 पर उन्हें मिला है ऑर्थो। एसटी कैटेगरी की बात कीजिए आप, तो 166 ऑल इंडिया रैंक पर उन्हें मिला है इंडो। मैं ये लास्ट रैंक की बात कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से मैं आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 9th रैंक से स्टार्ट हुआ है, मतलब लास्ट रैंक क्या थी, किस कैटेगरी में, जो उन्हें कोई ना कोई सीट्स, कोई ना कोई ब्रांच इसमें मिली है। और जो ओबीसी है उसका 14 था ऑर्थो, 14th रैंक पर। ये रैंक लिस्ट थी। इससे पहले वाले साल में जो जनरल कैटेगरी था उन्हें 30 रैंक तक मिल गया था कॉलेज, एसटी कैटेगरी को 179 रैंक तक मिल गया था, एससी को 139 तक मिला था, और ओबीसी को 119 तक मिल गया था। ये डिपेंड करता है आपके ब्रांचेस। और सबसे जो मुश्किल आती है एम्स में, वो ये आती है कि समटाइम्स ऐसा कई बार आपके साथ होगा एम्स में कि आपका रैंक 1 होगा ऑल इंडिया रैंक, और आप चाहते हो कि आपको मैक्सिलोफेशियल सर्जरी मिल जाए एम्स दिल्ली में, आपको नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मेरा रैंक 1 है तो मुझे ही कॉलेज नहीं मिलेगा मनपसंद ब्रांच, ये कैसे पॉसिबल है। दिक्कत ये होती है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी है हमारे इंडिया की, तो वो है अभी, अब जो एट प्रेजेंट सिनेरियो है वो है 27%, 10%, 7% और 9%। अब ये 100 में है ना, ओबीसी के लिए 27 सीट रिजर्व होती है आउट ऑफ 100, बट अगर जरा सोच के देखिए, अगर किसी ब्रांच में 3 ही सीट है, सपोज मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में 3 सीट्स हैं, तो इसमें वो कैसे डिवाइड करेंगे 27%, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो ईयर वाइज वो सीट आती है, मतलब कि इस साल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की सीट आ गई जनरल कैटेगरी में, नेक्स्ट ईयर वही सीट जो है, वही सेम ब्रांच की सीट एससी कैटेगरी में आ गई 1 सीट, उसके अगले साल एसटी कैटेगरी में आ गई, उसके अगले साल ओबीसी कैटेगरी में आ गई। तो ये चेंजेबल होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सारा एम्स में ला करके ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है इस चीज़ का, कि आपको नहीं मिल पाता है सीट जैसा आप चाहते हो, मतलब ये बहुत 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 मुश्किल होती है। जैसे मैं अपने एक सीनियर का बात करूँ, तो नाम नहीं लूँगा मैं उनका बहुत अच्छा रैंक था, मतलब वो टॉप 5 में थे ऑल इंडिया रैंक, और उनका था कि उन्हें मौलाना आज़ाद मिले और उनको प्रोस्थोडोंटिक्स मिले मौलाना आज़ाद में, क्योंकि आप सब जानते हैं डॉक्टर
वहाँ के जो बोलते हैं बहुत 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 अच्छा है ब्रांच प्रोस्थो, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं वहाँ उनको प्रोस्थो मिले। बट प्रॉब्लम कहाँ पे कंसीडर्स हुई, प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई उनके साथ कि उनका रैंक तो था 1-5 में, बट उस साल वहाँ पर प्रोस्थो का जो था सीट वो ओबीसी कैटेगरी में था और दिल्ली के इंटरनल कोटा में सिर्फ था, प्रोस्थो की सीट ही नहीं थी ऑल इंडिया लेवल पर, तो आपको वो मिलेगा ही नहीं। तो सेम चीज़ ये बहुत ज़्यादा फेसिंग होता है एम्स में, और यही रीज़न होता है कि एम्स में जनरल कैटेगरी में मुश्किल से 4 सीट होती है, बट मैंने आपको बोला ना ऑल इंडिया रैंक 9 लास्ट था, उनको भी मिल गया एम्स। ऑल इंडिया रैंक 27 था जनरल कैटेगरी में, फिर भी उनको मिल गया एम्स। रीज़न ये होता है कि उन्हें वो ब्रांच नहीं चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी का रैंक 1 आ गया, ठीक है, और उन्हें करना है ऑर्थोडॉन्टिक्स में, बट एम्स में ऑर्थो जो है इस साल के लिए रिजर्व कर दिया गया ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट और एससी कैटेगरी में 1 सीट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका रैंक 1 है, फिर भी आपको ऑर्थो नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या करोगे कि आपका रैंक 1 होने के बाद भी आप एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं लोगे और आप कहीं और कॉलेज में लोगे, मतलब नीट में भी अच्छा रैंक आएगा आपका और आप नीट के थ्रू मौलाना आजाद या जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप चले जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एम्स में। एक पर्टिकुलर कॉलेज का अगर आप ख्वाब देख रहे हैं ना कि हाँ मुझे मौलाना आजाद से ओएस करना है या केजीएमयू से ओएस करना है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपका रैंक बहुत अच्छा होगा, उस रैंक पर आपके कैटेगरी वाइज उस साल उसमें सीट भी आनी चाहिए ना कि हाँ इस साल जनरल कैटेगरी के लिए सीट है, तभी तो आप उसमें जा पाएंगे, नहीं तो कैसे हो पाएगा पॉसिबल। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और अगर आप बात करें ईयर बाय ईयर तो कंपटीशन टफ होते जा रहा है, और यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग होती है एम्स दिल्ली में वो तो नीट में भी होती है। निगेटिव मार्किंग नीट में होती है 1:4, मतलब आपने अगर एक क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो -1/4 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, मतलब 0.25 मार्क्स आपके चले जाएंगे। बट जैसे आप एम्स में ये गलती दोहराओगे तो आपका 0.33 मार्क्स चले जाएंगे, मतलब 1/3 कट हो जाता है निगेटिव में। तो निगेटिव ना करें, अगर आप एम्स में चाह रहे हैं जाना तो आपको INCET का एग्ज़ाम देना होगा, और हमेशा इसमें जो सीट्स होती है यही होती है। जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम सीट जो आती है 5-6 सीट्स आती है अलग अलग ब्रांच को कंबाइन करने के बाद, और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको बताया एम्स में बहुत लोग फेस करते हैं। उनका रैंक बहुत अच्छा होता है बट उनको जो ब्रांच चाहिए वो ब्रांच उस साल आया ही नहीं होता है जनरल कैटेगरी में। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, आपको फेस करनी होंगी, और इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी है ऐसी। बट आई होप सबको बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि आपको कितना क्या करना होगा कि आपको एम्स मिल जाएगा, और एम्स में कितनी सीट्स आती हैं और क्या उसका सब कुछ होता है। और एम्स सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड भी देता है, अगर आपका नीट MDS में होता है तो आपको ऑन हैंड नियरली 1.1 लाख के आसपास पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिल जाएगा, इट्स वेरी गुड अमाउंट। और एम्स की हॉस्टल फैसिलिटी तो कहने की बात ही नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको कितना ज़्यादा अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी है एम्स दिल्ली का, कोई भी एम्स आपको मिले, बट एम्स दिल्ली सबका होता है चॉइस। और PGI चंडीगढ़ भी सेम है, PGI चंडीगढ़ में भी आपको सीट्स मिलने के लिए आपको INCET का ही एग्ज़ाम देना होगा, और वहाँ भी आपको लगभग यही होती है रैंक, नियरली नियरली इसी रैंक पर आपको वहाँ पे कॉलेज मिलता है, मतलब वहाँ भी आपका 9th रैंक, ये जो मैंने बोला ना जनरल में 9th रैंक वो एम्स दिल्ली नहीं, ये जो NICET है इसका लास्ट रैंक था 9, मतलब हो सकता है वो एम्स दिल्ली में उठाया हो 9th रैंक पर, या फिर हो सकता है वो PGI रोहतक उठाया हो, सॉरी PGI चंडीगढ़, या फिर हो सकता है वो जिपमर ले लिया हो, ये कम्बाइंड टेस्ट है तो कम्बाइंडली ही वो आता है। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, और प्लीज़ इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक जिससे उनको पता चल पाए कि हाँ हमें किस पे फोकस करना है, हमें नीट PG पे फोकस करना है या फिर एक लक्ष्य बना लिया एम्स तो फिर एम्स में जाना है। क्योंकि समटाइम्स दो तरह के लोग होते हैं, एक के लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट होता है और दूसरे के लिए ब्रांच इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कॉलेज और ब्रांच, क्योंकि एम्स में ये चीज़ आ जाता है कि वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको एम्स दिल्ली मिल रहा होगा लेकिन आपका मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रहा होगा, जो कि आपका रैंक टॉप 5 में होगा, टॉप 6 में होंगे, आप टॉप 10 में होंगे जनरल कैटेगरी में, फिर भी ये मुश्किल आ जाएगी। तो अगर मुझसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसको बिल्कुल ये मत लीजिएगा कि नहीं मैंने बोला है आप गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ऐसा मेरा कुछ नहीं कहना है। ब्रांच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉलेज, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका रीज़न ये है कि कॉलेज आपके साथ सिर्फ 3 साल हो, 3 ईयर। सपोज कि एक पर्सन है ए, उसको मिल रहा है ओरल पैथोलॉजी, सपोज
एम्स दिल्ली में, ऐसे है नहीं ओरल पैथोलॉजी का ब्रांच, मैंने एक बस ऐसे ही सपोज मैंने बोला है करेंगे, उसको मिल रहा है एम्स दिल्ली, और सेम 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 स्टूडेंट को कोई दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, गोवा डेंटल कॉलेज मिल रहा है, वहाँ पर उन्हें मिल रहा है ऑर्थोडॉन्टिक्स, सपोज ऑर्थो मिल रहा है। अब मान लीजिए किसी के लिए अगर ये एम्स दिल्ली इंपॉर्टेंट हो, एम्स दिल्ली चले जाते हैं, तो वो 3 साल ही एम्स दिल्ली का टैग लेके चलेंगे ना, उसके बाद वो ओरल पैथोलॉजिस्ट के नाम से जाके जाएंगे, और अगर वो दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ उन्होंने ऑर्थो स्टडी किया तो ऑर्थोडॉन्टिक्स के नाम से जाने जाएंगे। तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग ये नहीं लोग जानेंगे आप एम्स दिल्ली के प्रोडक्ट, वो बस 3 साल के लिए बात होती है, हाँ 3 ईयर्स है, उसके बाद तो फिर आपकी ब्रांच आपके साथ पूरी लाइफ टाइम चलती है कि आप किस ब्रांच, फिर आपको वही काम करना है, उसी पेशेंट को आपको ट्रीट करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी ओनली, और ये एम्स की जब बाड़ी आती है तो ये एक बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि क्या करें। तो अगर मेरी मानिए, और मैं मतलब मुझे अगर किसी ने कहा तो मैं ब्रांच को ही कंसिडर करूँगा, मैं कभी भी कॉलेज कंसिडर नहीं करूँगा कि हाँ ये कॉलेज एम्स दिल्ली जाने के लिए मैं ओएस को छोड़ करके ओपी में आ जाऊँ या ऑर्थो में आ जाऊँ, मतलब जो जिसमें आपका मन है, जो आप करना चाहते हो प्लीज उसको करो, क्योंकि कॉलेज तो 3 ईयर्स का होगा आपके साथ, 3 साल ही रहेगा, उसके बाद लाइफ टाइम आपको फिर उसी ब्रांच के साथ जीना होगा, या फिर से आपको वापस MDS करना होगा, वापस से एग्जाम देना होगा, फिर से आप डबल MDS कीजिए, फिर वो आप कर सकते हैं। सो होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो, और प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।